हमें सब लोगों को मिलकर दिल्ली पहुंचकर आंदोलन को ताकत देनी चाहिए। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू नहीं किया गया है, जिस तरह से बैकलॉग देश में अभी नहीं भरा गया है, जिस तरह से क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू करके संविधान की के द्वारा प्रदत्त जातिगत आरक्षण की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से ईडब्ल्यूएस देकर पहले ही संविधान की हत्या का एक प्रारूप एक आधार तैयार कर लिया है, जिस तरह से संख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था होने बाकी, निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग हम लोगों ने की, निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था होने बाकी, गरीब तक रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था पहुंचना भी बाकी, साथ साथ बहन बेटियों पे जो शोषण होता है वो शोषण अभी रुका नहीं, उसको थामना जरूरी है। मुसलमानों पे, ईसाइयों पे, बौद्धिस्टों पे, जैनों पे, उनके धार्मिक स्थलों पे जिस तरह के हमले हो रहे हैं या उनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है, और अगर हम जीते जी अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाए तो फिर आने वाली पीढ़ियां हमसे जवाब मांगेंगी। ग्यारह सितंबर को दिल्ली रामलीला मैदान में अपने मुद्दों और मांगों को लेकर एक आंदोलन हम लोगों ने बुलाया, और मेरा विश्वास है कि हर बार की तरह इस बार भी आप लोग बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचकर इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करेंगे। जैसे 2 अप्रैल का आंदोलन हो, दिल्ली में एनआरसी का आंदोलन हो, दिल्ली में जब हमारा गुरुघर टूटा उसका आंदोलन हो, या उसके अलावा भी कभी भी, जब जब मैंने आपको, चाहे 21 जुलाई का आंदोलन हो जब मेरे ऊपर गोली चली थी, समाज की बहुत सारी मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया था, ऐसे सभी मामलों में बहुजन समाज के लोगों ने देश भर से मेरी एक आवाज पर आंदोलन को ताकत देने के लिए, अपना बल दिखाने के लिए हमेशा आगे बढ़ के इस लड़ाई को, संघर्ष को महान पुरुषों के रास्ते पर चल के आगे बढ़ाने का काम किया। मेरे आज भी याद है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आपको याद किया, आपसे आग्रह किया और आपने मेरे आग्रह को स्वीकार नहीं किया। जब जब मैंने आग्रह किया आप लोगों ने काम छोड़ के, भूख प्यास की चिंता न करते हुए, अपने छोटे छोटे साधनों से, बस, ट्रेन, प्राइवेट गाड़ियों से, कई बार तो पैदल भी हमारे साथियों ने अन्य अन्य प्रदेशों से चलकर समाज में जो लोग सोए हुए उनको भी संदेश देने का काम किया कि हमें सब लोगों को मिलकर दिल्ली पहुंचकर आंदोलन को ताकत देनी चाहिए। इस बार में महत्वपूर्ण रूप से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बहादुर योद्धाओं को और बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकार ने निजीकरण करके हमारे लोगों के को मिलने वाले संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने की एक कोशिश की है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू नहीं किया गया है, जिस तरह से बैकलॉग देश में अभी नहीं भरा गया है, जिस तरह से क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू करके संविधान की के द्वारा प्रदत्त जातिगत आरक्षण की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से ईडब्ल्यूएस देकर
पहले ही संविधान की हत्या का एक प्रारूप, एक आधार तैयार कर लिया है। जिस तरह से 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे अभी तक वापस नहीं हुए, जिस तरह से देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, किसानों और धार्मिक भावना को ध्यान में रख के मुसलमानों पे, ईसाइयों पे, बौद्धिस्टों पे, जैनों पे, उनके धार्मिक स्थलों पे जिस तरह के हमले हो रहे हैं या उनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है, और पिछले कुछ दिनों में घटनाएं बढ़ी हैं, ये भी आपके सामने। मैं मानता हूं लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, लेकिन आज की सरकारें जनता की बहुत अहमियत नहीं समझती, इसीलिए वो लगातार उन अधिकारों को कुचलने का बड़ी तेजी से प्रयास करती रहती। इस बार भी समाज पे विपत्ति आन पड़ी है, और मैं आपसे आग्रह करता हूं, साथ साथ मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों से ये कहना चाहता हूं कि उनको वो कर भी रहे हैं, लेकिन मैं उनसे चाहता हूं कि समाज को जागरूक करने के लिए वो गांव गांव मीटिंग करें आने वाले दिनों में। आज 4 तारीख है और 5 दिन का 6 दिन का समय आपके पास है, जो दिल्ली के नजदीक रहते हैं, हरियाणा के लोग हों, यूपी के लोग हों, मध्य प्रदेश के लोग हों, राजस्थान के लोग हों, दिल्ली प्रॉपर में रहने वाले हों, इन स्टेटों के लोगों से तो मैं आग्रह करूंगा कि वो अपनी बस्तियों में, गलियों में, मोहल्लों में, गांव में मीटिंगें करके समाज के लोगों को प्रेरित करें कि वो इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए दिल्ली आए। जिस तरह से हमेशा आपने सरकारों को अपने बल से, जनबल से अपनी शक्ति का एहसास कराकर उनके गलत इरादों की भावना को रोकने का काम किया, उनको अपने फैसले बदलने के लिए मजबूर किया, उसी तरह से इस बार भी आपका ये बल समाज के लोगों में एक विश्वास और संघर्ष का मादा रखने वाले बहादुर साथियों के भरोसे को मजबूत करने का काम करे। आप जानते हैं कि लगातार आरक्षण पे हमले हो रहे हैं, कभी लेटरल एंट्री से, कभी संविदा से, कभी ठेकेदारी से, कभी आउटसोर्सिंग से, या रोस्टर में SC ST OBC के बच्चों को अवसर ना देना पड़े, तो एकल पद्धति के आधार पे नियुक्तियां निकाल के, जो है आवेदन निकाल के आरक्षण को समाप्त करने की साजिश की जा रही है, और फिर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाले हुए या और जो भर्तियों में घोटाले हुए वो भी हमारे सामने, जैसे अभी अभी 2700 साइंटिस्टों का आंकड़ा मेरे सामने आया जिनकी नियुक्तियां की गई, उनमें से एक में भी आरक्षण का फॉर्मूला लागू नहीं किया। हमें और आपको तय करना है कि अगर हम लोगों ने संघर्ष नहीं किया तो हमारे आने वाली नस्लों का क्या है, और अगर हम जीते जी अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाए तो फिर आने वाली पीढ़ियां हमसे जवाब मांगेंगी। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, इस बार आपकी जिम्मेदारी कुछ बढ़ जाएगी, क्योंकि कल मैं अगले 3-4 दिन के लिए देश से बाहर जा रहा हूं, संत रामानंद जी महाराज जो कौम के शहीद थे, मैंने ये संकल्प लिया था कि जब भी मैं लोकसभा जीतने के बाद और मेरे पास पासपोर्ट होगा कि मैं दूसरे देश में जा सकता हूं, तो किसी भी चुनाव का हिस्सा मैं तभी बनूंगा
जब मैं संत रामानंद जी की शहीदी स्थल पर नमन करके माथा टेक के आ जाऊंगा। मैंने उनके जीवन से संघर्ष करना और त्याग करना और अपने जीवन को समाज के नाम बलिदान करना सीखा है। हरियाणा में चुनाव है और जम्मू में मैं अपने वचनों के प्रति, अपनी बात के प्रति संकल्पित हूं। इसीलिए मैं उस धरती को नमन करने के लिए जा रहा हूं। अगले 4 से 5 दिन मैं वहीं रहूंगा, उसी धरती को नमन करने के लिए नतमस्तक होके उस बलिदान संघर्ष की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, उस समर्पण के भाव को आगे बढ़ाने के लिए और अपने बाद अपने साथियों में उस समर्पण के भाव को आत्मसात करने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए मैं वहां जा रहा हूं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं, हर बार मैं यहां रह के आप लोगों को फोन के माध्यम से, जो मीटिंगों के माध्यम से और माध्यमों से आपसे अपील करता था कि आप आंदोलन कामयाब करें, जिम्मेदारी समझे। इस बार आपको जिम्मेदारी स्वतः उठानी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि अब मैं अकेला इस काम को आगे बढ़ा रहा हूं। अब इस आंदोलन में पहले से भी हमारे राष्ट्रीय स्तर के सभी पदाधिकारी और हमारे बूथ तक का अंतिम कार्यकर्ता, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे परिवार के साथी, वो भी अपनी पूरी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। तो इस बार मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि 11 तारीख को जब मैं आपके बीच आंदोलन में पहुंचूंगा दिल्ली रामलीला मैदान में, तो नजारा वैसा ही होगा जैसे हर बार आपने इस शक्ति को बढ़ाने का काम किया, ताकत को बढ़ाने का काम किया। आज हम जो कुछ भी हैं वो अपने बहुजन समाज की वजह से हैं। अभी देश में बहुत सारी चीजें होनी बाकी, जैसे ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी बाकी, जैसे मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें लागू होनी बाकी, जिस तरह से संख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था होनी बाकी, निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग हम लोगों ने की, निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था होनी बाकी, गरीब तक रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था पहुंचना भी बाकी, साथ साथ बहन बेटियों पर जो शोषण होता है वो शोषण अभी रुका नहीं, उसको थामना जरूरी है। इस बात को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना है। साथ साथ नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर, किसानों मजदूरों के अधिकारों की रक्षा, उनकी फसलों के उचित दाम, उनको न्यूनतम वेतन मजदूरों के लिए, साथ साथ देश में अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था, कुटीर उद्योग लगा के महिलाओं को घरों तक रोजगार, संपूर्ण रूप से सामाजिक न्याय, ये इन सब चीजों में एक बहुत बड़ा काम होना बाकी है, तभी संभव होगा। लगातार निजीकरण के जरिए जिस तरह से सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है, उसमें रोकथाम, ये तभी संभव होगा जब हम लोग अपनी ताकत बढ़ाएं। मैं आपसे आग्रह करता हूं और मेरी गैर मौजूदगी में हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय स्तर के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष जी, महासचिव और तमाम सब साथी, और हमारे आजाद समाज पार्टी के सभी साथी, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, सभी नेतागण, हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि जहां तक भी मेरी आवाज जाए, 11 सितंबर 2024 सुबह 9:30 बजे रामलीला मैदान में मैं आपका इंतजार करूं। और मेरी उम्मीद और विश्वास है कि इस बार का आंदोलन इतना ताकतवर होगा कि सरकार की नींद उड़ जाएगी और सरकार हमारे अधिकारों के खिलाफ फैसला लेने से पहले 1000 बार सोचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।